नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल शासक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर जो था वो मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो यह था फरगना का, यह फरगना का शासक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? मतलब पहले जो भारत की राजधानी थी वो आगरा में थी, वो आगरा थी राजधानी, लेकिन उसको किस शासक ने दिल्ली स्थानांतरित की? तो वो जो शासक था उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली से सॉरी आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर की जो युवा अवस्था में संरक्षक था वो था बैरम खान। बैरम खान अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की? मतलब बाग बगीचे ऐसे हों जिसमें से पानी को बहता हुआ हो, पानी हो उसमें लेकिन बहता हुआ हो, ऐसा बाग बगीचा हो, उसके निर्माण की परंपरा किसने रखी थी या शुरू की थी? तो शुरू की थी बाबर ने, मुगल शासक बाबर ने परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ से हुआ? तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था कालानौर में। कालानौर से इनका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, और यहीं से इनका इतिहास शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को दो बार राज्याभिषेक हुआ? जो कौन सा ऐसा मुगल शासक है पूछ रहा है कि जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का दो बार राज्य अभिषेक हुआ था, औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो कौन सा ऐसा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया? तो यह था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो था ये अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके, ना ही उसने आत्मसमर्पण किया। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत के प्रवेश किया? मतलब बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर कहाँ कहाँ से होकर के भारत में प्रवेश किया था? तो पश्चिम से पंजाब राज्य से भारत में प्रवेश किया था पहली बार बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो स्थित है वो है दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो मकबरा है हुमायूं का वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम, ये ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि अलंकृत किया था? उपाधि से अलंकृत किया था अकबर ने किसको? तो मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी या अलंकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। फारसी थी इनकी राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो किस युद्ध से पड़ी थी? ये पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी थी? तो अकबर की जो जीवन गाथा थी ये अबुल फजल ने लिखी थी। ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन ये हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? तो किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया था? तो किया था हुमायूं ने दो बार शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसकी एक विधवा अफगान की एक विधवा थी इनकी, उसको शव को लेकर काबुल ले गई और वहाँ बाग में दफनाया? मतलब
कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसकी एक विधवा ने उसको अफगान ले जा करके अफगान के बाग में उनको दफनाया था। उसको उसको किसको दफनाया गया था? ये था बाबर। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद उसकी विधवा उसको काबुल लेकर गई और काबुल के बाग में बाबर को दफनाया, तो इसको 2 बार दफनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस शासक को, ये मुगल शासक को 2 बार दफनाया गया, तो ये दो बार इसको बाबर को दफनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको 2 बार इसने शासन भी किया था और 2 बार ये दफनाया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने या जहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो जहांगीर ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक में पहले किस बंदरगाह को काबुल मक्का या मक्का द्वारा, काबुल मक्का द्वारा कहा जाता है, काबुल मक्का या मक्का द्वारा कहा जाता है? तो यह सूरत में जो बंदरगाह है उसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।